मुताबिक सेहत के लिए आप और आपका ग्रुप ताशकंद गए, वहां आपके साथ ये सानिया हो गया। क्या आप इसके बारे में बताएंगी कि यह हादसा कब, कहां और कैसे हुआ? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ताशकंद एक तारीखी शहर है और हम सब लोग तारीख के स्टूडेंट हैं। तारीख से मोहब्बत की बिना पर मैंने और मेरी फ्रेंड रॉक्सी ने छुट्टियां ताशकंद में मनाने का फैसला किया और जैसे ही हम ताशकंद पहुंचे, ताशकंद पहुंचते ही सबसे पहले हम मदरसा दारुल उलूम में वो कुरान पाक देखने के लिए गए जिसकी तलावत करते हुए हजरत उस्मान गनी शहीद हुए थे। उनके लहू मुबारक के निशान आज भी उस कुरान पाक पर देखे जा सकते हैं। लोकेशन है ना, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा वापस जाने को, बस घर वाले याद आ रहे। तो ठीक है, फिर चलते हैं आगे देखते हैं। हमारी बहुत अच्छी सीनरी है इनमें से। हाँ चलते हैं आगे देखते हैं। बता रही जैसे बड़ी दफाई है ना बच्चे, तो मेरे साथ चली बार आई है। छोड़ो we
होश को रॉक्सी की तरफ बढ़ते हुए देखा, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ रॉक्सी का बैग था। जफर भी हमारे साथ था, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो भी गायब था। चलो वापस। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे निर्वाणा के पास जाना है, मुझे जाना है। रॉक्सी, रॉक्सी रुक जाओ, पकड़ लो जफर को। मैंने जाना है, छोड़ दो मुझे। क्या तुम्हें? मैंने निर्वाणा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। जफर, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ। मैंने निर्वाणा के पास जाना है, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। निर्वाणा, हम तुम्हारे लिए जिए हैं और तुम्हारे लिए मर रहे हैं। जिंदगी और मौत की इस कश्मकश में रॉक्सी एक बार फिर हमसे जुदा हो गई। मुझे यकीन है अगर रॉक्सी फरार ना होती तो वो भी खुदकुशी कर लेती। मिस राबिया, आप निर्वाणा के मुतल्लिक कुछ बताएंगी कि ये कौन है, इसकी तंजीम के मकासद क्या है? निर्वाणा एक नए और खुद साता मजहब का बानी और पेशवा है, एक निहायत पुर इसरार ताकतवर शख्सियत है। दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतों के सरकर्दा लोग उसके पैरोकार बन रहे हैं और उसके मानने वालों में तेजी से इजाफा हो रहा है। निर्वाणा के बारे में कुछ और बताइए ना। देखिए, इस वक्त मेरी अपनी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मैंने आप लोगों को जो बताना था वो मैं बता चुकी हूँ और मुझे कुछ नहीं कहना। थैंक यू। इस लड़के के वारसों का कुछ पता चला इंस्पेक्टर? जी डॉक्टर साहब, कॉलेज हॉस्टल के रिकॉर्ड के मुताबिक ये किसी रिटायर्ड कमांडो का भाई है, लेकिन वो कमांडो कहीं शिकार पे निकला हुआ है। लीजिए, खान साहब आ गए। आपसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की लेकिन हमें खुद आना पड़ा। आपके लिए एक बहुत अफसोसनाक खबर है। बोलिए। आपके छोटे भाई ने ताशकंद में खुदकुशी कर ली है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
तो कलेजा फटा जा रहा है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। तुम लेकर गई थी उसे, फिर क्यों छोड़ आई? आंटी हम लोग मजबूर थे, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, रॉक्सी जल्दी मिल जाएगी। हमारे पाकिस्तान के सफीर उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सफीर लंबी पिकनिक पे जाते हैं, लंबी पिकनिक पे। सफीरों को छोड़ो, ताकत का इस्तेमाल करो, ताकत का बस। ताकत के इस्तेमाल से रॉक्सी की जिंदगी को खतरा भी हो सकता है फूफा। वैसे मैंने पाकिस्तानी दो प्राइवेट जासूसों से बात की है, वो रॉक्सी की तलाश में जाएंगे और इंशाल्लाह उसे लेकर वापस आएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटी। प्राइवेट जासूस, ये कौन है भाई? तैमूर और हारून। आपकी तमाम शर्तें मंजूर हैं। आप दोनों की फीस जिस करेंसी में भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। बस आप दोनों मेरी बेटी रॉक्सी को ढूंढने के लिए। आंटी खुदा पर भरोसा रखिए। बस इन्हें हमारे साथ जाना होगा। तौबा तौबा, मैं तो वहां जाने का कभी नाम भी ना लूं। लेकिन अपनी सहेली के लिए आपको ये कुर्बानी देना पड़ेगी। आप फिक्र क्यों करती हैं, मैं हूं ना आपके साथ। मेरा मतलब है कि हम सब हैं आपके साथ। जैसे आपको लेकर जाएंगे वैसे ही हिफाजत से लेकर आएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर तुमने हामी भर ली है तो मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। आपको किसने कहा? क्यों, मैं इसका फूफा हूँ, तुम्हें क्या भाई? अगर आप इसके फूफा हैं तो आप यहाँ बैठ के हुक्का पिए। हम मिशन पे जा रहे हैं या वहाँ आपको संभालेंगे? क्यों अपनी बूढ़ी गाड़ियों के पीछे पड़ गए? मुझे बूढ़ा कहा तूने? मैं बूढ़ा हूँ, मैं पत्थरों के जमाने का इंसान हूँ। पंजा लगा मेरा था, पंजा लगा तू, आजा। अरे फूफा क्या कर रहे हैं आप? तू चुप कर। क्या हुआ फूफा? ठहर जाओ अभी, ताकत की कैप्सूल खाए इसने, बेईमानी की है मेरे साथ। एक बात सुन बे, मेरी कुश्ती अनोखी के साथ हुई थी, अनोखी के साथ। और कुश्ती के बाद मेरा जुलूस निकला था मोहल्ले से, और दुकानदार उचक उचक के देख रहे थे मेरे जुलूस को। क्यों? मुझे चारपाई पे ले जा रहे थे कमबख्त। आप फिक्र न करें, हम भी आपको वहां से इसी तरह लेकर आएंगे। तुम जाने भी दे फूफा, ये तो पागल है, हम खुद अपनी हड्डियां तोड़वाएगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं इस जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानता हूं। ये गली के नुक्कड़ पर खड़े होते हैं और यूं देख रहे होते कहां चली गई, कहां चली गई। और जब बाप आता है, और बाप आ गया, बाप आ गया, अब मेरी बात सुन ले। राबिया तुम्हारे साथ जाएगी, राबिया तुम्हारी रहनुमाई करेगी और मैं राबिया की हिफाजत करूंगा बस। क्यों नहीं पापा, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बाएस रहमत होगी। मेरे लिए तो बाएस ज़हमत होगी। ये ज़हमत सारी जिंदगी तेरे साथ रहेगी, फिक्र मत। Well, I want to go to this place and I need the complete information of this area, right? I know this area. Okay. Okay. Please. पहले ये बैठेगा उधर, फिर मैं बैठूंगा दरमियान में, फिर तू बैठेगी। चल
एनी प्रॉब्लम? अपने आप को बहुत ज्यादा चारा समझता है, बहुत चारा समझता है। आप जाएं, जाएं आप, हम पाकिस्तान वापस जाएंगे। बेइज्जती की भी कोई इंतहा होती है, इतना बेइज्जत तो हमारी बेगम ने कभी नहीं किया हमें। चलो एक मिनट अंकल, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या है? यार तुम क्या करते हो, खुदा के लिए बस करो। अंकल आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आइए। यार कमाल करते हो, उधर का आगे बैठ, आगे बैठ। मैं इसका फुफा हूं, फुफा। तू क्या ना फेंके, चल इस बहाने मुंह धो लिया तूने, बैठ जा। चल तू भी चल, चल अंदर। All of you, अरुण तुम भी और पापा आप भी, प्लीज लड़ाई बंद करें। कल से हमने शहर में घूमना है अपने उस मिशन के लिए जिसके लिए हम यहां आए। प्लीज बी सीरियस। तस्वीर मेरी भी उतारी है। जी उतारती हूँ फूफा। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहे हो, क्या बात है? ये सड़कें, ये गार्डन आपके दादा जान के हैं। मेरी अपनी मर्जी, मेरी समझ में तो खुद कुछ नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे आगे आगे क्यों चल रहे हैं। भाई तुम्हारी जैसी मर्जी तुम चलो, नौजवान हो तुम, लेकिन खबरदार जो मेरी बच्ची की तरफ देखा तुमने। तो आप अपनी बच्ची को बुरका पहना के लाते? बुरका? बुरका मैं तुम्हें ना पहना दूं, इसका फुफा हूं मैं, फुफा, समझ आई? फुफा। फुफा जी आप जाके सामान उठाइए, मैं इनसे निपट लेती हूँ, जाइए आप। जी जनाब आपका ये फजूल बातें करने का मकसद क्या है, आखिर आप चाहते क्या हैं? आपको चाहता हूँ और तुम्हें तंग करके मुझे बहुत मजा आता है। बहुत ही ढीठ शख्स हैं आप। असीन लड़कियों की मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मनाता। क्या कर रहा था ये? ओ कुछ नहीं फूफा, आप इन्हें छोड़े हम चलते हैं। चले आ जाओ, पीछे आ जाओ मेरे, इसका फूफा हूं मैं, फूफा। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। तुफ तुम पे तुफ है। इन्हें उठा ले। क्या बकवास कर रहा है? मेरा मतलब है कि यहाँ से उठा ले और वहां बिठा दे। क्यों? वो अपना वो पीछे मुड़ के देखे ना आप, वो जो खूबसूरत सी खातून बैठी है। तो क्या करूं मैं? आपके बारे में पूछ रही है। मेरे बारे में? हाँ, आपका पूछ रही है। क्या भाई, क्या कह रही है? वो बताया क्या? वो कह रही है कि आपसे मिलना चाह रही है। क्यों भाई, क्यों? वो कह रही है कि आप उनके बच्चों के अब्बा है। क्या बदतमीजी है, इस नेक लड़के पे इल्जाम लगाती है, परदेश में हमें बदनाम कर रही है। अभी मैं जाके पूछता हूँ। पूछ क्या है आप? अभी मैं पूछता हूँ। पूछे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। समझते क्या आप? अब मजा आएगा। आपने ये इल्जाम कैसे लगाया? आपने ये कैसे कहा कि आप मेरे बच्चों की माँ हैं? मेरा तो एक ही लड़का है, वो भी मुझसे 10 साल बड़ा है। आपको शर्म नहीं आती? बाबा बाबा बाबा, अरे भाई बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे अरे बचाओ भाई, मेरी इज्जत टूटी जा रही है। अरे बचाओ बचाओ। तो जनाब यहाँ भी पहुंच गए? जी। फूफा कहाँ है मेरे? एक हसीना के साथ डेट पे गए हैं। व्हाट? जी वो देखिए। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। चलो। ओ माय गॉड, कम ऑन प्लीज, कम ऑन, कम ऑन। बड़े शरीफ बनते थे, अब कहाँ गई उनकी शराफत। अपना अब आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब? मतलब ये कि एक छोटी मोटी डेट हम भी मार आते हैं। शट अप। जावा सदके जावा, आओ कॉफी पियेंगे, संग संग जिएंगे, कॉफी नहीं तो जूस, जूस नहीं तो चाय। अच्छा बाबा चाय नहीं तो पेप्सी, पेप्सी नहीं तो लस्सी, मैं तेरा पुन्नू, तू मेरी सस्सी, 100 विचों 20 कटे रह जाते 80। होए खच ओ नींद राए बदलिए टोर, दिल विच लगदा है तेरे कोई चोर। नींद राय बदलिए टोर, दिल बिच लगदा है तेरे कोई चोर। ओ प्यार तुझी पे आए रहा ना जाए, ये दिल तड़ पाए नी जदों दिया अखा लड़िया, नी जदों दिया अखा लड़िया। प्यार तुझी पे आए रहा ना जाए, ये दिल तड़ पाए नी जदों दिया अखा लड़िया, नी जदों दिया अखा लड़िया। ओ तू भी कर ले मेरी जा इकरार, नी सोनी ये ना कर अड़िया, नी सोनी ये ना कर अड़िया। We'll be right back.
तेरा ही दम भरती है। जान गया मैं दिल में तू भी मेरा ही दम भरती है। कहते हुए क्या डर लगता है, तू भी मुझ पे मरती है। ओ खुल खुल के तू कर ले प्यार, नी सोनी है ना सोनी है ना कर अड़िया, नी सोनी है ना कर अड़िया। पुपा इसे मुझे पानी में धक्का दे दिया, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए और मेरी शॉपिंग भी सारी खराब कर दी। अबे तू तो मेरी बच्ची के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है जैसे हुकूमत के पीछे ऑपोजिशन पड़ जाती है। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। खबरदार, अपने आप में रहिएगा। अगर आज इसे मैं पानी से ना निकाल कर लाता तो इसकी लाश लेकर आता, लाश। अरुण यार, ये किस किस्म की औरत तुमने इनके पीछे लगवा दी? मैंने नहीं पढ़वाया, वो खुद इनके पीछे पड़ी थी। कह रही थी कि मेरे मरहूम महबूब की शक्ल इनसे मिलती है। मैंने दो बिछड़े हुए दिलों को मिलाया। क्या बुरा किया मैंने, क्या बुरा किया। ये फिर बुरा कर गया मेरे साथ। देखा तुमने कैसी खूबसूरती से निकल गया यहाँ से। सॉरी अंकल, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन हम जिस मिशन पर आए उसे मिलजुल कर ही पूरा करना है। अच्छा। नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बच्ची को भिगोया है, तूने मेरी बच्ची को भिगोया है, मैं तुझे भिगो भिगो के मारूंगा। उसने लड़ाई में पीठ दिखाता है। लगता है छोड़ूंगा नहीं, पता लगता है पानी क्या मारूंगा तुझे। क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हो रहा है? पानी को बंद करो।
थोड़ा सा गन जरूरी है, मतलब ये कि यहाँ यकीनन निर्वाणा के लोग ठहरे होंगे और उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम टूरिस्ट हैं और यहाँ हल्ला गुल्ला करने आए हैं, इस तरह उन्हें हम पे शक भी नहीं होगा। गुड। अच्छा सुनो, मुझे भी एक क्यों मिला है। मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा है यहाँ निर्वाणा के वाले से एक मजलिस है और वहां से हमें निर्वाणा के पास जाने वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। Thank you.
भाई की मौत के इंतकाम से ज्यादा निर्वाणा के खुदाई दावे को खाक में मिलाने का जज्बा ताशकंद लाया है। कई दिनों से मेरी नजर आप लोगों पर थी, मैं भी इसी होटल में हूं और उसी फ्लाइट से आया हूं जिस फ्लाइट से आप लोग आए हैं। वैसे राबिया के इंटरव्यू ने मेरी बहुत मदद की और आज आपने हमारी मदद करके हमें एक मजबूत साथी दे दिया। ठीक कह रहे हारून खान, अगर हम एक मुट्ठी बनकर आगे बढ़े और अपने मिशन को एक बना लें तो निर्वाणा और उसके खुदाई दावे को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। फिरौन के लिए भी तो खुदा ने मूसा पैदा किया था और निर्वाणा के लिए हम सबको इस जमीन पर हमारे कदमों की चाप निर्वाणा की मौत ने सुन ली होगी। Thank you.
ताशकंद छोड़ना है और वहां से सफर क्यों करना है? जहां से राबिया की सहेली किडनैप हुई थी, तुम्हारा क्या ख्याल है हारू? मैं आपसे मुत्तफिक हूं सर, लेकिन खान हमें एक गाइड और दो तीन आदमी ऐसे चाहिए जो हमारे साथ रहें, क्योंकि हमारे पास बहुत सामान होगा। मैंने सब इंतजाम कर लिया, गाइड भी मिलेंगे और बाकी साथी भी। मीट मिस्टर हारिस, उज़्बेकिस्तान आर्मी का कमांडो।
मिस्टर मकाओ, इस इलाके का गाइड। ये वो लोग हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। नौरा भैया, वाटर, वो जगह बताओ जहां से राक्षसी किडनैप हुई थी। ये है वो जगह जहां रॉक्सी से मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी। यहां उसका बैग पड़ा था और वो खुद गायब थी। क्या बोलते हो? खान से पूछो। इधर पहाड़, उधर पहाड़, पीछे पानी। हमारा सफर इस सिंध से शुरू होगा। तुफे मुझ पे, तुफे। वो कौन सी मनूज घड़ी थी जब मैंने इस सफर के लिए हामी भरी थी? वो मौत की घड़ी थी और ये आपकी जिंदगी का आखिरी सफर है। फुफा, तेरे मुंह में मिट्टी। फुफा, अब आप जा ही रहे हैं तो जाते जाते एक नेक काम करते जाइए। बोल मेरे बच्चे। इस लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे दें। तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं अपनी बच्ची का हाथ इसी जंगल में किसी बंदर के हाथ में दे दूंगा, लेकिन तेरे हाथ में नहीं दूंगा। बंदर के हाथ में? कोई घटिया किस्म का बंदर लग रहा है। इस नस्ल में तो शादी का रिवाज ही नहीं होता। मेरी बच्ची। लगता है फौज में हो गया हूं। अबे तू तो पीछे हट। क्या मेरी कब्र बनाएगा? जा, पहले बच्ची के पीछे पड़ा रहा, अब पापा के पीछे पड़ गया। प्राइवेट हेलीकॉप्टर ही सिर्फ। यकीन हमारा सफर सही सिमत है।
इसराइल की दारुलहुकूमत यरूशलेम के गवर्नर की तरफ से आपके लिए हेलीकॉप्टर का तोहफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, कबूल फरमाइए। President Falkland has sent these diamonds and this $50 million. बाकी ताहिफ मुख्तलिफ मुल्कों के सरकर्दा लोगों की तरफ से है मेरे आका। इनको मेरी दुनिया के लोगों में तकसीम कर दिया जाए। मेहमान ये देखकर हैरान हो रहे होंगे कि प्यार की इस आजाद दुनिया में एक इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह इंसान सिर्फ इंसान नहीं, मुनाफिक है, जिसने हमें जबान से माना और दिल में खोट रखा। यह उन एजेंसियों का भेजा हुआ जासूस है जो हमसे अकीदत रखने वालों को खत्म करना चाहती हैं, जो आजादी की दुश्मन है, जो इंसानियत और प्यार की दुश्मन है। हमारी दुनिया में हर जुर्म माफ किया जा सकता है, लेकिन मुनाफकत नहीं। ले जाओ इसे और हमारी दुनिया के उस खित्ते में फेंक दो जहां निर्वाणा को धोखा देने वाले अपने भयानक अंजाम को पहुंचते हैं। ले जाओ। निर्वाणा, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन याद रखो, खुदा का कहर फरौन, नमरूद और जद्दाद पर भी टूटा था और तुम पर भी टूटेगा। बहुत जल्द खुदा अपनी ताकत से तुम जैसे मुनकर को और तुम्हारी खुद साख्ता जन्नत सकून का और जो तरक्की का तिचरत गाय को नेतो नाबूद कर देगा।
का खतरनाक है, जरा होशियारी से आ जा। ये लोग तो हमें डरा डरा के मार देंगे। कमांडो भाई शुक्र है, कमांडो भाई
एक बात बताएं, सारी सलामत है या एक आधा लुढ़क गया? सब सलामत है, पर तुम्हारी बेबी किधर है? बच्ची, मेरी बच्ची हारून कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है भाई? मेरी बच्ची, शुक्र है मिल गई बच्ची आपकी। सुबह का सफर नई सोच, नई हिम्मत और नए बुलबुले से शुरू होगा। इंशाल्लाह कल का सूरज हमारे लिए नया जज्बा लेकर तलू होगा। कसम तू मिला तो सनम, जान क्या देख कर मर मिटे तुझ पे हम। तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम, जान क्या देख कर मर मिटे तुझ पे हम। अब न दिल की खबर है न अपना पता, अब न दिल की खबर है न अपना पता, चल पड़ा प्यार का एक हंसी सिलसिला। ओ एक हंसी सिलसिला, तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम, जाने क्या देख कर मर मिटे तुझ पे हम। मेरे ख्वाबों को ताबीर मिल जाएगी,
दे दे थोड़ी सी तू अपने दिल में जगह, देख कर तुझको मैं देखता ही रहा। देख कर तुझको मैं देखता ही रहा, चल पड़ा प्यार का एक हसी सिलसिला, ओ एक हसी सिलसिला। तेरे सर की कसम तू मिला तो सनम, जान क्या देख कर मर मिटे तुझ पे हम। आदमी बच गए, उसको भी मार दो जान से। मेरी बच्ची को छोड़ दो।
तैमूर नहीं है, तैमूर नहीं है खान, ठहरो, नहीं सुनो, नहीं खान खान ठहरो, तुम एक की खातिर सबकी जान दांव पर लगाना चाहते हो। रास्ता दिखा जिसमें टोए ना हो, जंगली ना हो, आदमखोर ना हो। या अल्लाह, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इस सफर के लिए आमी भरी? ये सब तेरा किया दरार, तेरा। हाँ, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, मैंने तुमसे तो बात नहीं की, मैं तो अपने लमिया से बातें कर रहा हूँ। चुप हो जाइए, खुदा के लिए चुप हो जाइए, वरना मैं आपकी गर्दन काट दूंगा। हाँ, एक जहीन आदमी बच गया, उसको भी मार दो जान से। अंकल, टेक इट इजी माय डियर बॉय, टेक इट इजी। छोटी छोटी बातों पर इस तरह उलझोगे? छोटी सी बात, मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया, मैं अकेला रह गया हूँ, और आप कहते हैं ये छोटी सी बात है? ये छोटी सी बात है खान, हर मिशन की तकमील के दौरान बहुत से लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन जब तक आखिरी आदमी का आखिरी सांस बाकी हो, उसे अपने मिशन के लिए ही सोचना चाहिए, और फिर ऐसे मिशन के लिए जो कि जहाद भी हो। इंशाल्लाह अगर हम अपने मिशन में कामयाब हो गए तो तैमूर की यह कुर्बानी सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी, और अल्लाह के हाथ में यह शहादत है जिसकी हर मुसलमान तमन्ना करता है।
हरामखोरों में से तो नहीं? नहीं, हम निर्वाणा के पैरोकार हैं। उसके लिए खास जड़ी बूटियां तलाश करते हैं, जिससे वो खास किस्म का मशरूब तैयार करता है, जिसे पीने के बाद इंसान अपने आप को जन्नत में महसूस करता है। वो मशरूब मुझे मिल सकता है? नहीं, वो मशरूब सिर्फ उनको दिया जाता है जो निर्वाणा के खास पुजारी हैं। तो फिर मैं उसका पैरोकार बनने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे तैयार होने से या ना तैयार होने से क्या फर्क पड़ता है? ये तो निर्वाणा की अपनी मर्जी है, वो चाहे जिसको अपनी गुलामी में कबूल करे या ना। इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन निर्वाणा'स ओन स्वीट विल, व्हिमसेल्फ ही एक्सेप्ट्स इन हिज होलीस्ट प्रेजेंस ऑर नॉट। जिंदगी दी है तो एक एहसान और कर दो, मुझे निर्वाणा तक पहुंचा दो। ऐसा करना मेरे इख्तियार में नहीं है। तो फिर किसके इख्तियार में है? निर्वाणा के खास आदमी जड़ी बूटियां लेने आएंगे तो फिर उनसे बात करेंगे। बहुत उदास हो तैमूर की वजह से? यकीन नहीं आता कि वो हमसे बिछड़ गया है। काश मैं उसे बचा सकता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं, और अगर तुम मुझे इस काबिल समझो तो मैं तुम्हारा दर्द बांट भी सकती हूं। तुम हारून, अब लड़ाई झगड़े के दिन खत्म हो गए, अब ये प्यार की बाहें तुम्हारी मुंतजर है। अब इन प्यार की बाहों को मैं क्या करूं? क्यों, जब दिल था तुम नहीं थी, अब तुम हो तो दिल नहीं है।
कौन है? मैं निर्वाणा का आशिक हूं और उनके कदमों में सर रखना चाहता हूं। तुम यहां तक पहुंचे कैसे? ताशकंद के एक सेमिनार में मैंने पहली बार निर्वाणा का नाम सुना, समझा, जाना और उनकी शख्सियत, इल्म और ताकत का दीवाना हो गया। मैंने जब से उनका मुरीद बनने का सोचा है, मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे आसमान से नूर की बारिश हो रही हो मुझ पर। मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा, निर्वाणा की जात मेरे हवास पर इस तरह छा गई है जैसे तपती हुई बेलबास जमीन पर बादलों का साया। तू तो सचमुच निर्वाणा का दीवाना लगता है। यह बात आम इंसानों की समझ से बहुत दूर है कि जमीन पर बसने वाले इंसानों के लिए आसमान से मजहब भेजा गया है और यह पाबंदी लगाई गई है कि 5 वक्त झुका जाए वरना दोजख की आग में झोंक दिए जाओगे। या कुछ लोगों को कहा गया कि मिट्टी का बुत बनाओ और उसकी पूजा करो, या कुछ लोगों से कहा गया कि आग जलाओ और उससे मांगो, और कहा गया है कि इंसान खुदा का बेटा है, तुम्हारी खातिर सूली पर चढ़ा है, उससे मांगो। क्या कुछ किस किस रंग में नहीं कहा गया? किसने कहा? किसी ने आवाज सुनी? किसी ने ये सब आंखों से देखा? नहीं, ये सब एक इंसान को उसकी जिंदगी की लज्जतों से दूर करने के सिवा कुछ नहीं। दुनिया का हर मजहब सिर्फ एक उलझाव है जिसने इंसान को जन्नत दोजख गुनाह और सवाब के लिए परेशान कर दिया है। इंसान दुनिया में एक कैदी की जिंदगी बसर कर रहा है और मेरा मजहब इंसान को आजादी से जीने के हुनर सिखाता है। मेरा मजहब बताता है कि इंसान सब कुछ है, वो खुद ही अपने लिए सजा है और खुद ही जजा। जन्नत और दोजख उसकी अपनी मुट्ठी में है, अगर वो पहचाने तो वो अपना खुदा खुद है। खुद, दैट्स ऑल। दीवाना है, इसने दीवानगी के साथ आपसे मिलने का इजहार किया, बेख्तियार मैं इसे आपके पास ले आया। अच्छा किया तुमने। क्यों दीवाने बन गए हमारे? जंगल में नाचती हुई मौत के बीच एक शख्स ने मुझे जिंदगी दी, अपने उस मोहसिन की निर्वाणा के लिए दीवानगी ने मुझे आपका दीवाना बना दिया, वरना मैं तो। बोलो, रुक क्यों गए? मेरा नाम तैमूर है। मैं और मेरे साथी इस इरादे से आपकी तरफ पढ़ रहे थे कि आपको और आपकी इस दुनिया को मिटाकर रॉक्सी को ले जाएं। हुँ।
आपको ये सुनकर हैरानगी नहीं हुई? सच्चाई कभी नहीं मिटती, फिर हैरत कैसी है? हमें खुशी हुई है कि तुमने हमसे सच बोला, अगर ना बोलते तो ये सच हमें बोलना पड़ता कि तुम्हारे साथियों में एक लड़की राबिया, उसका एक अंकल, एक रिटायर्ड कमांडो, तुम्हारा एक साथी हारून और कुछ मुकामी लोग जो अब उनके साथ नहीं है। आप सब जानते हैं? हम क्या नहीं जानते? आपके लिए जो सुना, जो सोचा है और जो देखा है वही सच है। अपने इन हजारों दीवानों के साथ मुझे भी अपने कदमों में चकाते दें। उठो, जगह दी नहीं जाती, बनाई जाती है। अभी तुम हमारे मेहमान हो, आराम करो, बाकी बातें बाद में होंगी। इसे हमारी दुनिया के उस गोशे में ले जाओ जहां किसी के मन पर किसी के खौफ का साया नहीं होता, जहां इंसान इंसान बनकर जीता है। सुनो, तुम यहां से भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकोगे। जब तक निर्वाणा खुद न चाहे। मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? मैं तुम्हें यहां से लेने आया हूं, प्राइवेट डिटेक्टिव हूं मैं। क्यों लेने आए हो? रॉक्सी, मैंने बड़ी मुश्किलों से पाया तुम्हें, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे दोस्त, सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं सिवाय मशरूबे निर्वाणा के। मुझे वापिस नहीं जाना? वापिस तो अब मुझे भी नहीं जाना। कौन बदनसीब होगा जो इस हसीन दुनिया को छोड़ने का तसव्वुर भी करेगा? अच्छा, हाँ रॉक्सी, तुम कितनी हसीन हो। मैंने जब से तुम्हारी तस्वीर देखी दिल में एक लहर जागी, और आज तुम्हें अपने सामने देखकर यूं लगा जैसे 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 हम तब से एक दूसरे को जानते हों, जब हमारी रूहें आलमे बाला पर हमारे जिस्मों में डाली जा रही थी। ये क्या रॉक्सी? दुनिया में मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं, यही मेरे मशरूब का कमाल है। तुमने इससे झूठी मोहब्बत जताई और ये तुम्हारी सच्ची मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। इसे अपनी आगोश में लेकर एंजॉय करो, इसने तुम्हारे सिवा किसी को पसंद नहीं किया,
She's untouched. के करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपकी इस हसीन दुनिया में अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा हूं आका। मुझे अपने कदमों में जगह दे दें, अपने गुलामों में शामिल कर लें आका। हमारे गुलामों में शामिल होने के लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। इम्तिहान अगर जिंदगी का नजराना है तो मेरी जिंदगी आपके लिए हाजिर है। हमें तुम्हारी जिंदगी नहीं,
तुम्हारी मोहब्बत का इजहार चाहिए, अपने लिए और अपने लोगों के लिए। हुक्म मेरे आका। इब्लीस हमारे इलाके में एक जहरीले सांप का रूप धार कर घुसाया है, तुम उसे पकड़कर हमारे पास ले आओ, हम तुम्हें जिंदगी का वो मजा देंगे जो तुम्हें नई दुनिया में ले जाएगा। ये बीन उस शैतान को काबू करने में तुम्हारी मदद करेगी।
हम जीत गए, मेरी दुआ कबूल हो गई। तुम जिंदा हो तैमूर? थैंक्स गॉड। ये रॉक्सी है ना? कौन हो तुम? मजाक मत करो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? फकीर हो गए हो? हाँ, मैं निर्वाणा का फकीर हूं, उसका पैरोकार हूं। मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा ना, मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो मेरा रास्ता। तैमूर! क्यों नहीं पहचानता? क्यों नहीं? मैं हारून हूं, हारून तेरा दोस्त। तैमूर मिल गया। हाँ? वो जिंदा है। अच्छा? मेरा दोस्त जिंदा है। लेकिन लेकिन क्या? वो निर्वाणा के जादू में अंधा हो गया है। उसने मुझे भी पहचानने से इनकार कर दिया, अपने दोस्त को। खान, वो अब हमारा नहीं रहा। वो हमारा दोस्त नहीं रहा, इतने दुख की बात नहीं। जितनी खुशी की बात ये है कि वो अभी जिंदा है। तुम हमारे इम्तिहान में पूरे उतरे हो, आज से हम तुम्हें अपने गुलामों में शामिल करते हैं। जाओ, तुम्हारे लिए निर्वाणा की दुनिया के दरवाजे खुले हैं। इसलिए कि मदहोशी मशरूब की नहीं, प्यार की चाहिए। पीना है तो आंखों से पियो और आंखों से पिलाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम?
वो बातें जो एक दीवाना अपनी महबूबा के साथ करता है, आज से मैं भी निर्वाणा के गुलामों में शामिल हूं तुम्हारे साथ। मेरे साथ? हाँ, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। तुमने छुआ मुझको अच्छा लगा, अब मुझको दुल्हन बना दो जरा। तूने छुआ मुझको अच्छा लगा, अब मुझको Yeah.
खानदान में कैद कर दो उन सबको और लड़की को हमारी इस दुनिया में आजाद रखो। रॉक्सी, रॉक्सी, तुम कौन? मैं तुम्हारी दोस्त राबिया, पहचाना नहीं? नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। लेकिन हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम लेने के लिए। तैमूर भी आया था, लेकिन अब? अब क्या? अब वो भी मेरी तरह निर्वाणा के रंग में रंग चुका है। मुझे ये रूप निर्वाणा ने दिया है, उसके इश्क ने दिया है। निर्वाणा का हुक्म है, अगर तुम सब लोग उसके सामने अपना सर झुका दो, अपने खुदा का यकीन अपने दिल से निकाल दो, अपने नबी की मोहब्बत दिल से भुला दो, तो वो तुम सबको आजाद कर देगा और अपनी जन्नत में ऐसा मकाम देगा जिसका तसव्वुर तो किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। बोलो हारून, क्या जवाब है तुम्हारा? मिल गया मेरा जवाब। खुदा की कसम, अगर आज मेरे ये हाथ आजाद होते तो तुम्हारी गर्दन तन से जुदा होती। निर्वाणा की कसम, अगर मेरे और तुम्हारे दरमियान निर्वाणा के रहम की दीवार न होती तो तुम्हारी ये जबान मुंह में साकित और सांस सीने में बंद होते। जिंदगी और मौत का फैसला ऊपर मेरे अल्लाह के इख्तियार में है तैमूर, तुम बदनसीब हो जो उसे भूल बैठे। वापस पलट आओ, इंसान की बक्का सिर्फ अल्लाहुम्मा लब्बैक में है और इंसान की मगफरत सिर्फ और सिर्फ आशिकाने रसूल की आशिकी में। तुम लोगों ने निर्वाणा के इश्क में डूब के नहीं देखा, मैंने देखा है, मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम काफिर हो चुके हो और कुफ्र के अंधेरे में डूबने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता। आज से तुम्हारा कत्ल मुझ पर वाजिब हो चुका है तैमूर। अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन हूं। तुम मेरे इस्लाम के दुश्मन, मैं तुम्हारा दुश्मन। निर्वाणा से मुलाकात के बाद यकीनन तुम भी इस्लाम के दुश्मन बन जाओगे। सुनो तैमूर, मैं तुम्हारे निर्वाणा से मुलाकात करना चाहता हूं। उससे मिलोगे तो अपना आप भूल जाओगे, अपने खुदा को भूल जाओगे। यह भी तो हो सकता है, मैं उससे मिलूं तो उसे अपनी आंख पर याद आ जाए। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा,
कि कौन किसे भूलता है और कौन किसे याद रखता है। इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। इजाजत है, मुलाकात की इजाजत है, लेकिन सिर्फ उनके लीडर को। में पड़े तौक में तुम्हारी गर्दन अभी से झुका दी कमांडो। तेरी गलतफहमी है निर्वाणा, मैं तो अपने रब का व्रत करते हुए उसकी ताजीम में था। ये सर तेरे सामने कैसे झुक सकता है? ये सर झुकेगा कमांडो, और मेरे सामने ही झुकेगा। मैं जिस करबला के शहीद का मानने वाला हूं, उसकी गर्दन तो नेजे की नोक पर भी नहीं झुकी। अपने रब की तजल्ली में तन से जुदा होकर भी मैं वे कैरत रही। उसके गुलाम की गर्दन ये लोहे का तौक क्या झुकाएगा? तो अपने रब को क्या समझता है? कादर मुतलक है वो, जिसके हुक्म के बगैर ना हवा चल सकती है, ना चांद सूर्य तलू हो सकते हैं, और ना कोई जानदार सांस ले सकता है। इस कायनात की हर चीज मेरे रब की रजा की मोहताज है। गलत, कौन है? मेरी तरह यह भी मेरे खुदा का एक बंदा है। यह मेरा बंदा है, मेरा हुक्म मानता है। अपने रब से कहो जो हुक्म मैं इसे देने वाला हूं वो इसे रोके। ऐ निर्वाणा के आशिक, निर्वाणा के नाम पर अपनी गर्दन काट ले। खुदा ने उसे ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? यह जो कुछ भी हुआ इसमें भी मेरे खुदा की रजा थी। इस मर्दूत की जिंदगी ही इतनी थी। जहालत है, तुम लोगों का यही अकीदा जहालत है, फरेब है। अगर यह फरेब है तो अपना यही हुक्म मुझे दो, अपनी ताकत मुझ पर आजमाओ।
आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। तुम सिर्फ हमारे मशरूब का एक घूंट पी लो। मशरूब, वो मशरूब जिसकी याद से तुम खुदा बन बैठे हो, जो कमजोर हिसाब रखने वाले इंसानों की सोच छीन लेता है, बेहोश कर देता है। उस मशरूब के पीने का मतलब है कि मैंने तुझे मान लिया, नहीं पीऊंगा, हर कुछ नहीं पीऊंगा। मेरा मशरूब तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा कमाटो, सब भूल जाओगे तुम। मेरे रब ने मुझे भूलने के लिए नहीं, पांच वक्त याद रखने के लिए पैदा किया है। तेरा रब सिर्फ एक सोच है और मैं हकीकत हूं। हकीकत तुम बे हकीकत हो, बेहसियत हो, बे इल्म हो। मैं इनको मेरे पैरोकार जानते हैं। मेरे रब के इल्म को 1,24,000 पैगंबरों ने जाना और अपने प्यारे महबूब आखिरुज़्ज़मान नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना दीन मुकम्मल कर दिया और इस इल्म को कुरान की सूरत में हमारे दीनों में महफूज कर दिया। कुरान एक किताब है और मैंने 101 किताबें लिखी हैं। मेरे रब की कुरान में 114 सूरतें हैं और लाखों हरूफ जो हमारे बच्चों को भी हिफ्ज है। तुम्हारी किताब का एक पैराग्राफ खुद तुम्हें याद नहीं होगा। अब मैं जो तुम्हें कलाम सुनाने लगा हूं उसकी सच्चाई को तुम्हारे जद्दे अमजद अबू चहल ने भी तस्लीम किया था। ला रैबाफी हाजा कलाम रब्बी, बेशक कि अल्लाह का कलाम है। कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। है कोई ऐसा कलाम तेरी किताब में? नहीं, यकीनन नहीं होगा, इसलिए कि ये मेरे अल्लाह का कलाम है और तू बेकीमत मिट्टी। ये मिट्टी जितना चाहे ऊंचा उड़ ले, लेकिन एक आसमान से बुलंद नहीं हो सकती। मेरे रब्बे करीम की कायनात तो 7 आसमानों से भी ऊपर है। मैं तुम्हारी जहालत पर हंसने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। तू हंसने के सिवा कर भी क्या सकता है निर्वाणा? जमीन पर तुमसे पहले भी जन्नतें बनाई गई थी निर्वाणा। इंसान को भटकाने के लिए सोने चांदी के बुत भी बनाए गए थे, लेकिन सब टूट गए, बिखर गए, नेस्तो नाबूद हो गए। तुम भी हो जाओगे निर्वाणा, नमरूद, शद्दाद और फिरौन की तरह आने वाली नस्लों के लिए तुम्हारा अंजाम आईना इब्रत होगा। कौन करेगा हमें नेस्तो नाबूद? तुम कमांडो। मेरे रब ने अगर तुम्हारी मौत मेरे हाथों से लिखी है तो तुम मुझसे बच नहीं सकते निर्वाणा, और अगर बच गए तो कोई ना कोई आज के रसूल तुझे तेरे अंजाम तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत जज्बाती हो कमांडो, लेकिन मैंने कभी जज्बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसलिए कि मैं तुमसे आला हूं, बरतर हूं। पहले मैं तुम्हारे सीने में लगी इस्लाम की आग पर अपने मशरूब के कतरे टिपकाऊंगा, फिर तुमसे बात करूंगा। तुम्हारी इस गलतफहमी पर सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, सिर्फ एक। बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी। ले जाए इसे, हम इसके ईमान की ताकत को जरूर आजमाएंगे।
ये वो मशरूब है कमांडो जो तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा। तुम्हारी जुर्रत, तुम्हारे तकाद और तुम्हारे ईमान की ताकत, अगर तुम्हारे खून में इस मशरूब की छोटी सी मकदार मिल जाने पर भी कायम रही तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा इत्तकाद और ईमान निर्वाणा से ज्यादा ताकतवर है। सर के झुकने का इंतजार रहेगा। काली कमली वाले या शाह मदीना, ऐ काली कमली वाले या शाह मदीना। अलमदद अलमदद या रसूल खुदा, अलमदद अलमदद या हबीब खुदा। ऐ काली कमली वाले या शाह मदीना, मंझधार में है तेरी, मंझधार में है तेरी उम्मत का सफीना। ऐ काली कमली वाले या शाह मदीना, तेरी अजमत की कसम, तेरी रहमत की कसम, तेरे घर से चली जो उसकी मामत की कसम। कट जाएंगे ये सल मगल, कट जाएंगे ये सल मगल, झुकेंगे कभी ना। ए काली कमली वाले या शाह मदीना, यलगार है इस्लाम पे आका, इस्लाम पे आका। फिर कुफ्र की यलगार है इस्लाम पे आका, इस्लाम पे आका। मर जाएंगे दीवाने तेरे नाम पे आका, तेरे नाम पे आका। हम याद
जज्बे है सलामत तो ये देखेगा जमाना। दीवानों को आता है, दीवानों को आता है मरने का करीना। काली कमली वाले या शाह मदीना, ये है इश्क इश्क। बात को फिर एक बार जमाने से मिटा दे, बात को फिर एक बार जमाने से मिटा दे, जमाने से मिटा दे। सच पे फतह झूठ को पाने नहीं देंगे, जो तेरे लिए ना हो, जो तेरे लिए ना हो वो किस काम का जीना। ऐ काली कमली वाले या शाह मदीना, तेरी अजमत की कसम, तेरी रहमत की कसम, तेरे घर से चली जो उस इमामत की कसम। कट जाएंगे ये सर मगर, कट जाएंगे ये सर मगर झुकेंगे कभी ना। ऐ काली कमली वाले या शाह मदीना। एक तो इसकी समझ नहीं आती इसका असली रूप कौन सा है। रूप तो वही सच्चा है जो पाकिस्तान से लेकर चला था। एक मुसलमान का रूप, अगर मैं निर्वाणा का पैरोकार ना बनता तो रॉक्सी उसकी मशरूब से दूर ना होती और ना हम सबको निर्वाणा को उसके अंजाम तक पहुंचाना आसान ना होता। आसान तो अब भी नहीं है। हथियार उठाओ, जहाद सर पर है। आज हम शहीद होंगे या इस्लाम के दुश्मन खत्म होंगे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मेरी दुनिया के इंसानों,
मेरे मानने वालों, यहां मेरे ईमानों में ऐसी आवाजें जरूर गूंजी हैं जो एक पुरसुरदा अकीदा रखने वालों की बेमकसद पुकार है, फरियाद है। उन आवाजों की तरफ तुम ध्यान मत देना, सिर्फ इतना याद रखना कि निर्माणा अजीम है, अजीम है, अजीम सिर्फ रब की जात है। निर्वाणा मत भूल, जिन आवाजों ने तेरे मशरूब का असर मेरे खून से जायल करके मुझे होश दिया, उन आवाजों में उन पाक नामों का असर शामिल है जो आज तेरी इस जादूगरी को मट्टी में मिला देंगी। इसे हमारा मशरूब पिलाओ ताकि ये होश में आए। निर्वाणा, इन्होंने आप जमजम पिया हो उन पर तेरा मशरूब बेअसर है। तूने मेरी शरियानों में अपना मशरूब शामिल किया, लेकिन मैं जिनके मानने वाला हूं उन्होंने तेरी मौत बनाकर मुझे तुम्हारे सर पर लाखड़ा किया है। एक नजर इधर भी निर्वाणा, तूने अपने खुदाई में जो दावे किए थे आज उन दावों के साथ तू अपने भयानक अंजाम को पहुंचेगा। आज आवाज दे अपनी ताकत और गुरूर को, आज तेरे लिए कयामत का दिन है निर्वाणा। ओ कयामत, जो तेरी इस खुशाख्ता जन्नत को जहन्नम बना देगी तेरे लिए। जब तक निर्वाणा को एक भी मानने वाला एक भी जिंदा है, कोई ताकत निर्वाणा की जन्नत को जहन्नम नहीं बना सकती। तुम सब मौत के घेरे में हो, बस अपनी मौत की आगोश में हो, खत्म कर दो ने। बन गया तो इंशाल्लाह तलाक मैं दिलवाऊंगा।